अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, तो आपके मन में जम्मू एंड कश्मीर, स्विट्जरलैंड या कोई और ब्यूटीफुल सी जगह आएगी। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह कौन सी है, तो जानते हो इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर है इजिप्ट। आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्शियन लोग इजिप्ट में राज करते थे। ये लोग अपने समय में बहुत ही सुंदर कलाकृतियों का निर्माण किए थे, पर इन कलाकृतियों के साथ साथ ये कई रहस्यों को भी पीछे छोड़ गए। एलियंस का होना, पिरामिड का आसमान के तारों से अलाइनमेंट, पिरामिड के अंदर एक नेचुरल एसी होना जो कि टेम्परेचर को 20 डिग्री रखती है, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को चैन की नींद नहीं सोने देती। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये लोग ऐसी स्ट्रक्चर्स को कैसे बिल्ड कर लिए, और ऐसी स्ट्रक्चर्स मतलब यहाँ सिर्फ पिरामिड ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे अनबिलीवेबल स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बात हो रही। क्या इन स्ट्रक्चर्स को अकेले ही इन लोगों ने बनाया है या फिर पिरामिड्स? इजिप्ट के पिरामिड्स ये मास्टरपीस है और ये दुनिया के सबसे फेमस जगहों में से एक है। पिरामिड को बहुत सालों से स्टडी किया जा रहा है, हर टेक्नोलॉजी से इसे समझने की कोशिश की जा रही है, पर आज तक इसकी मिस्ट्री किसी ने सॉल्व नहीं कर पाया। इन्होंने एक एक पीस को एक साथ कैसे लाया और इन्होंने किस तरह का कंक्रीट का इस्तेमाल किया और ये इतने परफेक्टली अलाइंड कैसे हैं? बिना मशीन और टेक्नोलॉजी के ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाना तो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक पिरामिड के अंदर ही 23 लाख लाइमस्टोन के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। इन पत्थरों को एक जगह से दूसरे जगह मूव करना ही इतना मुश्किल है, तो इसे एकदम परफेक्ट पोजीशन पर लाना तो दूर की बात है, पर इन्होंने इन दोनों चीजों को किया। पिरामिड का एक एक ब्लॉक जो देख रहे हो, इनका वजन 2700 किलो से लेकर 70,000 किलो तक है। आजकल के जो मॉडर्न क्रेन्स होते हैं जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स को बनाने में काम आता है, वो यूजुअली 20,000 किलो से ज्यादा लिफ्ट नहीं कर पाते हैं। तो जब आज के समय में 20,000 किलो वजन उठाना इतना मुश्किल है, तो वो आज से 4000 साल पहले आखिर ये सब कैसे कर लिए? 4000 साल पहले वो 70,000 किलोस को कैसे ट्रांसपोर्ट किए होंगे बिना एडवांस्ड मशीनरी के? इसका एक जवाब है जो आप में से ज्यादातर लोगों को यकीन नहीं होगा, और वो है एलियंस। पिरामिड से जुड़ी एक थ्योरी है जिसे ओरायन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं। अगर आप रात के समय पिरामिड को देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो एक्चुअली में आसमान के कॉन्स्टेलेशन यानी तारों के एक नक्षत्र के साथ अलाइन करता है। आसमान के इस कॉन्स्टेलेशन का नाम है ओरायन बेल्ट और इसके तीन मुख्य तारे जिनका नाम है एलनाइटक, एलनाइलम और माइंड टेका। ये तीनों तारे पिरामिड से सिंक होते हैं, जिसकी पोजीशन और अलाइनमेंट बिल्कुल इन तारों जैसी। इस इम्पॉसिबल सी चीज को देखकर बहुत सारे थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि पहले के समय में एलियंस धरती पर आए थे और अपने साथ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी लाए थे, और इन्हीं की हेल्प से इस इम्पॉसिबल सी पिरामिड को इन्होंने बनाया, और ये एलियंस इन्हीं तारों से आए थे। पिरामिड को एलियंस ने बनाया या इंसान ने, ये बात तो कोई नहीं जानता, पर एक बात तो श्योर है कि पिरामिड्स और दूर तारों की दुनिया का आपस में कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है। कुछ थ्योरिस्ट ये कहते हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया, कि ये एलियंस उन्हीं तीन तारों में रहते थे और ये पिरामिड लोगों ने इनके साथ अपने कनेक्शन को दिखाने के लिए बनाया था, तभी रात के समय ऐसी परफेक्ट अलाइनमेंट होती है। टनल्स इन पिरामिड्स। पिरामिड्स हर एंगल से रहस्यों से भरी हुई है, और इनके अंदर के टनल्स उनमें से सबसे बड़ा रहस्य है। पिरामिड में जगह जगह पर टनल्स बने हुए हैं, और पहले लोग कॉमन सेंस का यूज करके ये सोचते थे कि ये वेंटिलेशन के लिए बनाया गया होगा ताकि अंदर हवा घुस सके, पर इस बात को डिसमिस कर दिया गया, गलत साबित कर दिया गया, जब एक रोबोट इसके अंदर भेजा गया। रोबोट्स ने कैमरा से ये देखा कि ये तो असल में बंद है और हर टनल के अंत में एक बंद दरवाजा जैसा कुछ बना हुआ है, तो ये आखिर वेंटिलेशन के लिए कैसे बन सकता है? पिरामिड के अगर सारे चैम्बर्स की बात करें तो इसके अंदर टोटल 3 डिस्कवर्ड चैम्बर्स हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये है बेस चैम्बर, और ये है क्वींस चैम्बर, और सबसे ऊपर है किंग्स चैम्बर। अगर आप ऊपर वाले इस रास्ते से एंटर करोगे तब आप अंदर ही अंदर इन तीनों को एक्सप्लोर कर सकोगे, और अगर नीचे राइट वाले इस पार्ट से एंटर करोगे तब भी आप तीनों को एक्सेस कर पाओगे। पर फैक्ट ये है कि आज तक इन्हें कोई ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर पाया। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा डिस्कवर्ड चैम्बर्स, मतलब इसके अंदर और कितने चैम्बर्स होंगे ये कोई भी नहीं जानता, और ये भी माना गया है कि ये
टनल्स इसलिए बनाए गए थे क्योंकि उस समय के लोग ये मानते थे कि अगर किंग यानी राजा की बॉडी को अगर इस चैम्बर में रखा गया और ये शाफ्ट बनाया गया तब उनकी आत्मा उनकी सोल आसमान के इन तारों की तरफ जाएगा। इसे पिरामिड का स्टार शाफ्ट थ्योरी भी कहते हैं। जब इस क्वींस चैम्बर के अंदर रिमोट कंट्रोल कैमरा को भेजा गया तब ये देखने मिला एक बंद स्टोन जिसके ऊपर मेटल पिन लगा हुआ था। इसे ऐसा बनाया गया था मानो ये लोग नहीं चाहते हो कि कोई इसके अंदर जाए। और इसकी डिस्कवरी के बाद ऐसी बहुत सारी थ्योरीज सामने आई जो ये कहती है कि इसके अंदर और एक अनडिस्कवर्ड चैम्बर मौजूद है। पर एक नए एडवांस्ड टूल के जरिए इस बंद दरवाजे को ड्रिल करके इसके अंदर एक छोटा सा कैमरा को भेजा गया तो उस कैमरे ने इस फोटो को खींचा और इसके अंदर जाने के पहले ही वो कैमरा एक रहस्यमय तरीके से खराब हो गया और इसके आगे की एक्सप्लोरेशन अधूरी रह गई। और उसके बाद से वहाँ की गवर्नमेंट फिर कभी किसी को अलाउ नहीं की इस पिरामिड को एक्सप्लोर करने के लिए। पर पॉसिबिलिटी अभी भी है कि इसके अंदर और भी ऐसे कई टनल्स हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं किए गए। वो पिरामिड्स क्यों बनाए गए कोई एक्सप्लेनेशन ना होने के चलते आज तक तो यही माना गया है कि ये पिरामिड्स उस समय के राजा और रानियों के कब्र के पर्पस के लिए बनाया गया था। वो राजा रानियों का कब्र था। मम्मी के बारे में तो कभी न कभी आपने जरूर सुना होगा। तो जो लोग राजा रानी के कब्र वाली बात को मानते हैं वो लोग ये कहते हैं कि उस समय के राजा रानियों के शरीर को ममीफिकेशन के प्रोसेस के जरिए बॉडी को मम्मी बनाकर उसे कब्र में रखा जाता था। मरे हुए बॉडी को लाइनन नाम के एक फैब्रिक में बांधकर कब्र में रख दिया जाता था। पर अजीब बात यह है कि अगर आप पूछो कि आज तक कितने बॉडीज कितने मम्मी पिरामिड में मिले हैं तो इसका आंसर है 0। जी हाँ, आज तक एक भी मम्मी पिरामिड में नहीं मिला। पिरामिड को अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है पर जितना एक्सप्लोर हो चुका है उसकी बात करें तो सारे टॉम्ब बिल्कुल खाली थे और उसके ऊपर कोई टेक्स्ट भी नहीं लिखा हुआ था जो कि जनरली उस समय के बाकी जगह पर टॉम्ब्स पर लिखा जाता था। क्वींस चैम्बर में न क्वीन का मम्मी पाया गया और किंग्स चैम्बर में न किंग का मम्मी पाया गया। तो इस सब को देखकर थ्योरिस्ट ये कंक्लूजन निकालते हैं कि पिरामिड शायद इसके लिए नहीं बनाया गया था। मे बी ये किसी और कारण के लिए बनाया गया होगा। और इसी सब के चलते ज्यादातर विचारक ये मानते हैं कि ये किसी एलियन के वजह और उनके पर्पस के लिए बनाया गया था और शायद ये एक तरह का पावर प्लांट था। पिरामिड इतने परफेक्ट कैसे हैं? क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया की मैप को अगर आप लो और अगर सेंटर का पता लगाओ तो सेंटर कौन सा होगा? अमेजिंगली इस पूरी धरती का ज्योग्राफिकल सेंटर वही जगह है जहाँ पर ये पिरामिड्स हैं। हाँ श्योर, ये कंप्लीट कोइंसिडेंस यानी इत्तेफाक भी हो सकता है पर ये मत भूलिए कि ये पिरामिड्स उस समय बनाए गए थे जब इंसानों को धरती के बारे में कुछ नहीं पता था। उस समय तो ये भी डिस्कवरी नहीं हुई थी कि धरती गोल है। जैसा कि आपको पता ही होगा पहले के लोग ये मानते थे कि अर्थ फ्लैट है। तब उस समय ये लोग आखिर अर्थ के सेंटर को कैसे ढूंढ लिए? और एक चौंका देने वाली बात ये है कि इस पिरामिड का एक पार्ट एकदम नॉर्थ पोल के अलाइनमेंट में, अगर इसके सेंटर से एक एरो निकाले तो वो सीधा नॉर्थ पोल पर जाके मिलेगी। बस कुछ किलोमीटर का सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क है। पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि आज से 4000 साल पहले लैंड मास जो था उसकी पोजीशन एक्चुअली थोड़ी सी चेंज हो गई और टेक्टोनिक प्लेट्स हिल गए हैं। इसलिए जो थोड़ी सी फर्क है वो भी सालों के धरती की स्ट्रक्चर बदलने के चलते हुई है जो कि नेचुरली होते रहती है। नहीं तो उस समय 4000 साल पहले ये परफेक्टली अलाइन्ड था नॉर्थ पोल के तरफ। पिरामिड स्टोन्स, आपको क्या पता है कि जिन पत्थरों से पिरामिड बनाया गया था वो किसी आम पत्थर से लाखों गुना ज्यादा मजबूत है और साइंटिस्ट्स इस पत्थर को बहुत एनालाइज किए हैं। और क्या आपको यकीन होगा कि साइंटिस्ट्स को आज तक नहीं पता चला कि एग्जैक्टली ये है क्या? ये लाइमस्टोन की तरह है पर लाइमस्टोन है नहीं। साइंटिस्ट्स ऐसे पत्थर धरती पर और कहीं भी नहीं पाए। पिरामिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, पिरामिड की कंस्ट्रक्शन की और सबसे अजीब बात यह है कि इन्हें बनाते समय बॉल एंड सॉकेट कंस्ट्रक्शन टाइप का इस्तेमाल किया गया था। बॉल एंड सॉकेट एक ऐसा मेथड है जो कि हीट एक्सपेंशन झेल सकता है यानी गर्मी के चलते जब पत्थर थोड़ा बड़ा हो जाता है उसे भी ये झेल लेता है। और ये बॉल एंड सॉकेट कंस्ट्रक्शन टाइप
एक्चुअली में अर्थक्वेक यानी भूकंप को भी झेल सकता है। सोचिए शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी, वो भी 4000 साल पहले। नेचुरल एयर कंडीशनर इनसाइड पिरामिड। इजिप्शियन डेजर्ट जो है, जो कि पिरामिड के करीब है, वो बहुत ही ज्यादा गर्म इलाका है और गर्म हवाएं वहाँ चलती रहती है। पर इन सब के बावजूद भी उस समय पिरामिड को ऐसे बनाया गया था, एक ऐसे रहस्यमय तरीके से बनाया गया था कि चाहे बाहर की टेम्परेचर कितनी भी हो, पिरामिड के अंदर की टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली 20 डिग्री सेल्सियस रहती है, जो कि धरती के सबसे कंफर्टेबल और एवरेज टेम्परेचर। इसे आप 4000 साल पहले की नेचुरल एसी यानी एयर कंडीशनर भी कह सकते हो। तो क्या ये सब फैक्ट्स, नेचुरल एसी, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स, ओरायन स्टार अलाइनमेंट, नॉर्थ पोल डायरेक्शन विदाउट कंपास, क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर सच में इसके पीछे किसी इंटेलिजेंट प्राणियों का हाथ है जिन्हें इतना नॉलेज था इस दुनिया के बारे में जितना हमें आज भी नहीं है। थ्योरिस्ट्स का ये मानना है कि ये नॉलेज उन इजिप्शियन लोगों को एलियंस ने ही दिया था। एलियन ड्राइंग्स इन इजिप्ट। इजिप्ट में जितने भी घूमने वाली जगहें हैं, उन सब में आपको ऐसे ऐसे ड्राइंग्स मिलेंगे। इस ड्राइंग के अंदर आपको कुछ दिख रहा है? जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये कोई एरोप्लेन का ड्राइंग है। और कई जगहों पर तो लिटरली ऐसे ऐसे कार्विंग्स बने हुए हैं जिसमें आपको ऐसे क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं जिनकी बड़ी आंखें हैं, बड़े सर हैं और हाइट छोटी है, बिल्कुल एक मॉडर्न एलियन डिपिक्शन की तरह। इस कार्विंग को देखो, इसे देखकर आपको किसी की याद आती है? ये एक्चुअली एक मॉडर्न एलियन स्पेसशिप की डिपिक्शन है। इसलिए कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इन पिरामिड्स को सोलली अकेले ही एलियंस ने ही बनाया था और इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं था। ये थ्योरी कितनी सच है इसका अंदाजा तो एक्यूरेटली कोई नहीं लगा सकता। पिरामिड और तारों का जो सिंह की बात की हमने, उसको और गहराई से देखें तो ये पता चलता है कि बिना एरियल व्यू के यानी बिना ऊपर से देखे ऐसी परफेक्टली अलाइंड स्ट्रक्चर्स नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ ऊपर से एरियल व्यू की हेल्प से इसकी पोजीशन को कंसीडर किया जा सकता था। और 4000 साल पहले तो ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स भी नहीं थे, तो आखिर ये जमीन पर बैठ कर ही अलाइन कैसे कर लिए? सिर्फ दूसरे प्लैनेट्स के प्राणी ही ये सब कर सकते थे। सिर्फ एलियंस ही एरियल व्यू पता कर सकते थे ऊपर से अपने स्पेसशिप की हेल्प से। अमेजिंग सन अलाइनमेंट ऑफ पिरामिड्स। हर साल 21 जून को समर सोल्स्टिस होता है, यानी सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा रात वाला डे। इस दिन अगर आप शाम को ग्रेट पिरामिड को व्यू करोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। पिरामिड के ठीक सेंटर में उस शेर के ठीक ऊपर से ऐसा सूरज का व्यू। तो ये सब को मद्देनजर रखते हुए, इतनी कैलकुलेशंस करते हुए, आखिर वो लोग कैसे जानते थे? एक चीज इत्तेफाक हो सकता है, पर ये स्ट्रक्चर्स इतनी सारी इत्तेफाक अपने अंदर रखती है कि इसे हम इत्तेफाक नहीं कह सकते। ये श्योरली बनी बनाई योजना थी। तो इसलिए ज्यादातर थ्योरीज ये कहती है कि उस समय दूसरे दुनिया के एलियंस ही इतने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सकते थे। उनके पास ऐसी नॉलेज और ऐसी टूल्स थी जो आज के आधुनिक साइंस के पास भी नहीं है। डेंडेरा लाइट। इजिप्ट में एक डेंडेरा नाम की जगह है, वहाँ पर एक टेम्पल यानी मंदिर है जिसका नाम है डेंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स। इजिप्ट में रहने वाले लोगों ने इस टेम्पल को अपने एक भगवान के लिए बनाया था जिनका नाम था हैथोर, और ये मंदिर इजिप्ट के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के मैप को देखो, यहाँ पर आप एंट्रेंस को देख सकते हो। तो इस मंदिर का आधा पार्ट पहले सैंड से ढका हुआ था, पर 1850 के आसपास इस कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से साफ कर दिया गया और उसके अंदर से बहुत सारे दफन हुए राज सामने आए। जब उस एंशिएंट रोम को पूरी तरह से क्लीन कर दिया गया तब साइंटिस्ट्स को ये देखने मिला एक ऐसा आर्ट जो कि बहुत अलग था, और पूरे इजिप्ट में सिर्फ इसी मंदिर के अंदर ऐसा कुछ कला देखने मिला। इसे डेंडेरा लाइट कहते हैं। दीवार पर ये जो ड्राइंग जो इजिप्शियंस ने बनाई है, ये सवाल खड़ा करती है कि इजिप्शियन लोग भला कितने एडवांस थे। इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको एक लाइट बल्ब जैसा कुछ दिखेगा। ये मत भूलिएगा कि हम 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं। इस इमेज को देखकर थ्योरिस्ट्स ये कहते हैं कि एंशिएंट इजिप्ट में इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली एग्जिस्ट करता था, और 4000 साल पहले इन्हें इलेक्ट्रिसिटी टाइम ट्रैवलर्स यानी समय यात्रियों ने या फिर पहले के एंशिएंट एलियंस ने दिया था।
और थ्योरीज का ये कहना है कि ये लाइट बल्ब वो चीज है जो रात के समय इन्हें पिरामिड और बाकी स्ट्रक्चर्स बनाने में हेल्प करती थी। एक बल्ब होती है जिसे क्रूक्स ट्यूब कहते हैं। अगर आप इस इमेज पर आज के एक मॉडर्न क्रूक्स ट्यूब से कंपेयर करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है उसे इजिप्शियंस ने एक सांप से दर्शाया है और इसके एंड में इस जगह एक लोटस फूल बना हुआ है जो कि एक मॉडर्न सॉकेट को दर्शाता है जो कि असली बल्ब में होता है और नीचे एक वायर तार आ रही है जो कि एक बॉक्स में लगी हुई है जहाँ से बिजली आ रही है। और ये जो इंसान है ये एक डेंजरस सा टूल लिया हुआ है जो कि ये दर्शाता है कि ये बल्ब आपके लिए जानलेवा हो सकता है अगर आप इसे सही से इस्तेमाल ना करो। सही से इस्तेमाल नहीं किया गया तो आपको करंट मार सकता है, आपको शॉक लग सकती है। स्विट्जरलैंड में एक मिस्ट्री पार्क है, वहाँ पर बिल्कुल इसी चीज का एक मॉडल रखा गया है। तो इस फोटो से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय की लाइट बल्ब वाली बात अगर सही है तो वो कैसी दिखती होगी। 4000 साल पहले लाइट बल्ब टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिसिटी, इट्स रियली शॉकिंग। द ग्रेट स्फिनिक्स पिरामिड के बारे में आपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा या उसकी फोटो को एक ना एक बार जरूर देखा होगा। तब ज्यादातर पिरामिड के पिक्चर्स में आप इसको जरूर देखते होंगे। इसे द ग्रेट स्फिनिक्स कहते हैं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका चेहरा तो इंसान का है पर शरीर इंसान का नहीं है, किसी तरह का एलियन म्यूटेंट क्रिएचर जैसा। ये सिर्फ पिरामिड रीजन का ही नहीं बल्कि पूरे इजिप्ट का सबसे रहस्यमय स्ट्रक्चर। इतने मॉडर्न रिसर्च के बाद भी आज तक कोई नहीं जानता कि ये एग्जैक्टली किस लिए बनाया गया था। ये इतिहास की सबसे बड़ी स्टैचूज में से एक है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 73.5 मीटर लंबा है और इसकी ऊपर की हाइट है 20 मीटर। और आपको यकीन नहीं होगा कि ये पार्ट पार्ट करके नहीं बनाया गया, ये एक ही बड़े लाइमस्टोन के पीस को लेकर उसे इस शेप में डाला गया है। इसलिए इसे दुनिया की सबसे लार्जेस्ट सिंगल स्टोन स्टैचूज के लिस्ट में रखा गया है। हजारों सालों से ये स्टैचू सैंड के नीचे ढका हुआ था पर साल 1900 के बाद इसके ऊपर की सैंड को हटा दिया गया और तब इस दुनिया के सामने पहली बार इसकी पूरी स्ट्रक्चर सामने आई। थ्योरिस्ट का ये मानना है कि ये एक सुंदर सा स्टैचू हुआ करता था पर हजारों सालों के अंदर इसमें बहुत चेंजेस यानी बदलाव आ गए हैं। थ्योरीज के हिसाब से आज से 4000 साल पहले ये कुछ ऐसा दिखता होगा। ये ऊपर से जितना रहस्यमय है वो तो कुछ भी नहीं है, असल मिस्ट्री तो इसके नीचे अंडरग्राउंड में है। शुरू में ग्राउंड रेडार से ये पता चला कि इसके अंदर दो कैविटीज हैं, यानी दो खाली जगह हैं। ये बिल्कुल आजकल की मॉडर्न शहर की अंडरग्राउंड सिस्टम जैसा है। साल 1995 में जो वर्कर इस चीज को रेनोवेट कर रहे थे उन्होंने एक्सीडेंटली बहुत सारे टनल्स को डिस्कवर किया। उनमें से दो टनल्स सीधा सीधा इस स्टैचू के नीचे जा रही थी। ये सब डिस्कवरी हमें ये बताता है कि इसके नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी हुई है जो कि आज तक अनदेखा है। आज भी पिरामिड्स को एक्सप्लोर करना बाकी है और कोई भी फर्दर रिसर्च जैसे ही होगी पिरामिड्स के ऊपर कोई मम्मी मिलेगा या फिर कोई और रहस्यमय टनल मिलेगा उसकी अपडेट मैं आपको न्यू वीडियो में जरूर दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना।